मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में आपके लिए मैं लेके आया हूं आज कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2020 का संपूर्ण राशिफल। ये एक मासिक राशिफल है जो कि हम लाए हैं आपके लिए मार्च 2020 के लिए। इस राशिफल के वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2020 कैसा रहने वाला है, खास करके इनके व्यापार धन की दृष्टि से, विद्यार्थी की दृष्टि से, इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इनका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन कौन सा दिन मार्च में इनके लिए शुभ रहने वाला है और कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो कि प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जिनमें इनको बच के रहना चाहिए, और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इनको क्या उपाय इस महीने अपनाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2020। परिवार में सहयोग बना रहेगा, इससे आपका मानसिक परेशानी भी दूर होगा। किसी प्रकार की अगर चिंता है आपको तो परिवारजनों का साथ मिलेगा, जिससे उस चिंता में कमी आएगी, उस चिंता का समाधान भी निकलेगा। आपके आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार भी संभव है इस महीने। अकारण भय आपके अंदर बना हुआ है, इस भय का निवारण भी इस महीने संभव है। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे कि बहुत दिनों से आप मिलना चाह रहे हैं, साथ ही ऐसे लोगों के साथ रहने का अवसर भी, कुछ समय बिताने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और सगे संबंधियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके खर्च में कमी आएगी, परिवार और भौतिक सुख भी की प्राप्ति भी आपको होगी। परिवारजनों विशेषकर जीवन साथी और संतान से सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों के अगर ट्रांसफर होने वाले थे तो ये ट्रांसफर आपके रुक सकते हैं। राहु और शुक्र के कष्टकारक योग के बनने के कारण महिलाओं की वजह से आपके जीवन में कलह आ सकती है। आप एक महिला जातक हैं तब भी, पुरुष जातक हैं तब भी, किसी महिला के कारण आपके जीवन में उथल पुथल हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुक्र और राहु कष्टकारक स्थिति आपके कुंडली में भी बना रहे हैं। पारिवारिक समारोह उत्सव स्थगित किन्हीं वजहों से हो सकते हैं और ऋण लेने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए, इससे पहले ही अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार की बात करें तो व्यापार में लाभ और हानि दोनों की समानता बनी रहेगी। व्यापार के सिलसिले में किन्हीं किन्हीं जातकों का विदेश यात्रा भी संभव है। कार्य संपन्न करने के लिए जो भी मेहनत आपने उसमें किया है उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में किसी प्रकार की डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है आपका इस महीने। नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छा महीना रहेगा, तरक्की की संभावना भी बनेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ट्रांसफर रुक सकता है इस महीने। बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए यह माह सामान्य रहने की संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह अच्छा रहने वाला है। अगर आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसमें सुधार होने की संभावना बन रही है। बात करें प्रेम संबंध की, तो जीवन साथी का प्रेम और सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है मार्च 2020 आपके लिए। अब आइए जानते हैं कौन कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है, तो नोट कीजिए 6, 10, 16 और 26 मार्च आपके लिए शुभ रहने वाला है। और प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन से दिन आपके लिए डाल सकते हैं, तो वो है 1, 3, 8, 12, 14, 18, 21, 23, 28 और 31 मार्च आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, तो इन दिनों में आपको बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं कौन सा आपको उपाय अपनाना चाहिए ताकि आपका सब कुछ जो है वो बढ़िया रहे। शुक्रवार के दिन, महीने में 4 शुक्रवार आएंगे, चारों शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और ये जो प्रसाद अब बना, प्रसाद को पूरे परिवार के लोग बैठकर एक साथ खाएं, हर परिवार के सदस्य को जोर खिलाएं खीर का प्रसाद, और हो सके तो चांदी के कटोरे में ही खाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनती है और चंद्र ग्रह से संबंधित जो भी दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे गंगाजल भी अर्पित करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा।
तो मित्रों ये था कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2020 का संपूर्ण राशिफल। इसी तरह के राशिफल के वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।